गाइस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, और अगर पता भी होता है तो 99% लोग उनके असल यूज के बारे में नहीं जानते। जैसा कि हमारे फोन में दिए हुए इस एरोप्लेन मोड का असली काम क्या है, शेफ लंबी टोपियां क्यों पहनते हैं, और ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे ही क्यों लगा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इसी तरह की कुछ फन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। नंबर 1, गाइस आपने गाड़ियों या हथियारों के लाइसेंस के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी भीख मांगने के लाइसेंस के बारे में सुना है? What? स्वीडन देश में भिखारियों को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। दरअसल यहाँ की सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भीख मांगने वालों की संख्या कम हो सके और लोगों की मदद की जा सके। भैया कुछ खाया नहीं, 2 दिन से कुछ खिला दो। अबे जा यार, अबे खिला दे, एक को खिला दे, कोई कम थोड़ी पड़ जाएगा। क्या एक को खिला दिया वही बहुत है। नंबर 2, आए दिन आपको अखबार में एक्सीडेंट के किस्से मिल जाएंगे। पर क्या आपने कभी आसमान में हुए एरोप्लेन के एक्सीडेंट के बारे में सुना है? दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि यदि उनके आसपास और कोई प्लेन उड़ रहा हो तो उनको अलग अलग ऊंचाई में प्लेन उड़ाना है। यदि पहला प्लेन 28,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट पे उड़ेगा। इस कारण प्लेन आपस में नहीं टकराते। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर के साइलेंसर को हमेशा आगे ही क्यों लगाया जाता है? दरअसल ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कंपनी इसे एडजस्ट करके साइलेंसर को पीछे लगा भी दे तो भी ट्रैक्टर कई उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है जिसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी जा सकती है और ऐसे में इंजन के खराब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 4, आपने कभी सोचा है कि गिनीज बुक की शुरुआत कैसे हुई? नहीं। दरअसल ये आइडिया गिनीज ब्रेवरी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर ह्यूंग बीवर को आया था। वह उस समय एक निशानेबाजी की पार्टी में गए हुए थे। वहाँ पर उनके और उनके एक दोस्त के बीच एक छोटी सी बहस हो गई कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। दोनों ने सारी किताबें छान मारी लेकिन किसी को भी कहीं कुछ भी नहीं मिला। उस समय ही उन्होंने सोचा कि एक ऐसी किताब बनाई जाए जिसमें ऐसे सारे फैक्ट्स का विवरण हो। नंबर 5, गाइज आप लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये पीली लाइन तो देखी ही होंगी। बहुत कोई इस लाइन को सिर्फ एक तरह का डिजाइन समझ लेते हैं, पर असल में ये लाइन अंधे लोगों के लिए बनाई जाती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कुछ लोग जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है उनको यह नहीं पता चल पाता था कि प्लेटफॉर्म कहाँ खत्म हो रहा है। अगर किसी अंधे व्यक्ति का पैर पीले लाइन पर पड़े तो उसे पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म यहाँ खत्म हो रहा है, इससे आगे नहीं जाना है, इसीलिए ये लाइंस बनाई जाती है। नंबर 6, दोस्तों आपने डिस्क ब्रेक्स पर ये छोटे छोटे छेद तो देखे ही होंगे, पर क्या आपको पता ये छेद क्यों होते हैं? दरअसल पहले के समय में डिस्क ब्रेक्स पर कोई भी छेद नहीं होते थे, और जब भी वाहन रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता था तब ये प्लेट बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते थे। और कई बार ज्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक काम भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक्स बनाए गए, लेकिन ज्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल करने की वजह से वे पिघल कर गाड़ी से अलग हो जाते थे। उसके बाद इन ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इसमें से हवा आर पार हो सके और यह गर्म भी ना हो और ब्रेक ज्यादा समय तक चल सके। नंबर 7, सेफ की लंबी टोपी तो आपने भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतनी लंबी क्यों होती है? दरअसल दोस्तों जो सेफ की टोपी होती है वो उसके स्किल को बताती है। अगर किसी सेफ के सिर पर 100 से ज्यादा फूलों वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि सेफ 100 तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। ये
यही नहीं, सेफ के जो स्कूल होते हैं या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ हर एक लेवल के शेफ के लिए एक अलग लेवल की टोपी होती है। और जैसे ही सेफ का प्रमोशन होता है, वैसे ही उसकी टोपी चेंज हो जाती है। नंबर 8, बॉक्सर अपने मुंह में ये क्यों रखते हैं? मगर क्यों? दरअसल इस चीज को माउथ गार्ड कहा जाता है और यह रबर से बना होता है। माउथ गार्ड को मुंह में रखने के दो कारण होते हैं। पहला यह कि रबर दांत से होंठ को कटने से बचाता है, और दूसरा कारण यह है कि यह हमारे दिमाग को भी बचाता है, क्योंकि जब भी बॉक्सर बॉक्सिंग के दौरान जबड़े पर पंच मारता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है, जिससे खिलाड़ी बेहोश हो सकता है और खेल तुरंत ही खत्म हो सकता है। नंबर 9, फोन में दिए हुए इस एरोप्लेन मोड का असली काम क्या है? दरअसल ये फ्लाइट मोड इसलिए दिया हुआ होता है ताकि अगर आप एरोप्लेन पर बैठे तो मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डाल सकें, क्योंकि आपका यह मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि जब आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपके फोन की सारी डाटा सर्विस जैसे कि वाईफाई, जीएसएम, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाता है। लेकिन यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं रखा जाए तो फ्लाइट के सिग्नल्स और सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसकी सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वही फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ होना दोनों ही प्रोसेस में फ्लाइट को कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है। ऐसे में आपका मोबाइल सिग्नल मिलने में रुकावट डालता है, जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलाने वाले इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनाई नहीं देते, इसीलिए फोन में एरोप्लेन मोड दिया जाता है। नंबर 10, हमारे भारत के इस खासियत को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, जिसका नाम लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।